अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। जो काम कई बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया। कई बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए, आपके बेटे ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिए। इन सभी की वजह से मोदी जी आपके बेटे से, आपके भाई से जलते हैं, डरते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब काम उनसे नहीं होते। डर के मारे उन्होंने आपके बेटे के काम रोकने के लिए उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, झूठे बयान पर झूठे केस में। कहते हैं केजरीवाल चोर है, मैं कहती हूँ मोदी जी अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाजपा पार्टी को सिर्फ सत्ता में बने रहने का मन है, उसको पार्टियां तोड़नी आती है, उसको विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है, समाज के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। आपको आज मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपकी बहन, आपसे पूछती हूँ, क्या हरियाणा इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? अभी 5 अक्टूबर को चुनाव है, आप सभी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, आप सभी को वोट देने जरूर जाना है, जरूर जरूर। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। झाड़ू का बटन दबाएंगे, सब दबाएंगे। आपको अपने बेटे को, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हरियाणा की इज्जत का सवाल है। आप सबको मालूम है, आप सब टैक्स देते हैं, जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर GST लगता है, टैक्स लगता है। आटा खरीदने जाती हैं हमारी माताएं बहनें, उस पर भी GST लगता है, टैक्स लगता है। बीजेपी ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। आप सरकारी खजाने में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, बिजली, पानी, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा। भाजपा से ये नहीं होगा, इसके लिए आपके बेटे ने आप सबके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर शहर, हर गांव में सरकारी अस्पताल शानदार होंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूल शानदार होंगे जहां शिक्षा फ्री होगी, बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर बहन को, हर माता को, हर सखा को 1000-1000 रुपया हर महीना मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्दी लागू होने वाली है। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा, इसमें महिलाएं भी आती है। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, हमारे और भाइयों को भी, सबकी खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने ढेरों प्लानिंग की हुई है। आप दिल्ली में इस समय मिनिमम वेजेस में सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली में मिलता है, आपको पता होना चाहिए। आशा वर्कर्स बहनों के लिए भी आपके बेटे ने, आपके भाई ने बहुत योजनाएं बनाई हैं। आपके बेटे ने, आपके भाई ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। अब आप सबको उसको, आप सबको हरियाणा अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है। आप सबका वोट बहुत कीमती है, इसको सोच समझ कर देना। आप सबको जरूर जाना है, एक बार फिर से कह रही हूँ, वोट देने जाना है और झाड़ू का बटन दबाना है।